ऑल ऑफ यू, आज का जो लेसन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद, और आज जिस चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं वह है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। जी हाँ, काफी समय से आपको इंतजार था। मैं जानता हूं कि आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये लेसन 5 है और क्लास 12 के जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से शायद अभी इसमें वीडियो जाने में क्लास जाने में थोड़ा देर हुआ, बट कोई बात नहीं। चलिए आज से कोई बात नहीं, देर अब कुछ बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द आता है वंशागति किसे कहते हैं। जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर बताता है कि वंशागति तथा विविधता दो चीजें हैं। अब इन दो चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। पहला शब्द है वंशागति। क्या आप जानते हैं वंशागति का क्या अर्थ होता है, वंशागति किसे कहते हैं, आखिर वंशागति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। जब आप इन बातों पे कंसीडर करेंगे, जब इन बातों को आप सोचेंगे, तो आपके सामने आएगा कि हाँ, वंश दो चीजें हैं। वंश का मतलब, जैसे देखिए, हर आदमी की पारिवारिक वृद्धि होती है, वंश चलता है, और गति, गति का मतलब क्या हुआ, यहां वृद्धि हुआ। तो वंश की उत्पत्ति और वृद्धि क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। अब जैसे हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, यानी हाथी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसका वंश आगे चल पड़ा। यानी हाथी ने क्या किया, जनन किया, और जनन करने के बाद से उसका फलस्वरूप क्या बना, उस संतति पैदा हुआ, और संतति पैदा हुआ और उसके वंश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो यहां एक तरह का वृद्धि भी हो रहा है, एक तरह की उत्पत्ति भी हो रही है, और वंश की जो गति है, यानी वंश हम ये कह सकते हैं कि वंश में जो क्या कहते हैं, एक हिंदी का शब्द, परंपरा, वो चल रही है, आगे चल रही है। अब देखो, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, अगर कोई अन्य जीव नहीं हो सकता। अब हाथी से कभी कभी डॉगी नहीं पैदा हो सकता, कभी घोड़ा नहीं पैदा हो सकता, जब होगा तब हाथी से हाथी ही पैदा होगा उसका। तो वंश चलने की जो गति है उसे ही हम वंशागति कहते हैं। आप इसको कई शब्दों में समझा सकते हैं, कई बातों से आप समझ सकते हैं। वंश की वृद्धि, ठीक है, वंश की वृद्धि क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। वंश की उत्पत्ति क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। या किसी निश्चित जीव जब वह अपने वंश की वृद्धि करता है, अपने संतति की उत्पत्ति करता है, तो उस समय उस चीज को, उस पूरे प्रोसेस को या सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। अब जरा सोचो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को नहीं। आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं उगता। अब जरा सोचो, माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह इससे उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होती है, या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है, काफी भिन्नता दिखाई देती है। अब देखो, कुत्ते का बच्चा जो है, कुत्ते के बच्चे को देख लो और हाथी के बच्चे को देख लो। अब दोनों में अंतर तो है ना डियर स्टूडेंट, दोनों के बच्चों में, दोनों की संतति में काफी डिफरेंस है। तो ये क्या हो गए, विविधता हो गई, भिन्नता हो गई। आई होप कि वंशागति को आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वह है विविधता। आज हर एक शब्द को समझेंगे जिससे कि आप पूरे लेसन समझ पाओगे कि वास्तव में होता क्या है। अब विविधता की बात करते हैं। अब विविधता मतलब क्या होता है, विविधता का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, बहुत अलग अलग लोग। अब देखो, हमारे ही समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में भी भिन्न भिन्न के लोग हैं। अब उनको हम कई आधारों पर अलग करते हैं, किसी की सोच एक जैसे नहीं है, किसी में तमाम तरह के डिफरेंसेस हैं। तो ये हो गया। अब ये किस में हुआ, सिर्फ एक वंश में हुआ, यानी एक वंश में, एक जीव में हुआ। लेकिन जैसे ही विविधता शब्द आती है, विविधता का मतलब समझ लेना डिफरेंट टाइप्स, विविधता का मतलब समझना कि सो मेनी डिफरेंट टाइप्स, किसमें, उस कंडीशंस में, ओके। अब इस चीज को और भी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करो। अगर कोई ये कहे कि हाँ, आप इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोल देते हैं कि सर आप तो बता रहे हैं, लेकिन मुझे विविधता तो नहीं समझ में आ रही। हाथी का बच्चा तो समझ में आ गया, हाँ ये तो जरूर समझ में आ जाएगा। हाथी का बच्चा समझ में आ गया, कुत्ते का बच्चा समझ में आ गया, कोई बात नहीं बेटा, आपको इतना ही समझना है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है।
आपको ये सोचना है, जरा सोचो कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली क्यों नहीं होता है? क्या कभी बिल्ली कुत्ता पैदा कर सकती है? क्या कभी हाथी कुत्ता पैदा कर सकता है? तो जब इनमें सोचती हो तो सोचते हो आप क्या कहते हो, नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर ऐसा नहीं हो सकता, इसी को तो हम विविधता कहते हैं, इसी को तो डिफरेंट कहते हैं, इसी को तो अलग अलग और भिन्नताओं का नाम देते हैं। अब क्या कहेंगे बेटा, बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर है, इसको समझो। ये होता है एक ही वातावरण में भिन्न भिन्न जीवों की उत्पत्ति विविधता कहलाती है। क्या कहेंगे बेटा, फिर एक बार सुनो, एक ही वातावरण में भिन्न भिन्न जीवों की उत्पत्ति। अब एक वातावरण से क्या मतलब है? अब देखो हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे चारों ओर क्या है, नजर दौड़ाओ फटाफट, काफी होशियार हो, दौड़ाओ नजर। हाँ कितना मिला, क्या क्या मिल गया? हाँ कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, तमाम तरह की बातें आगे है ना। उसके बाद से ये जीवों की उत्पत्ति, यानी जिसको देखो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता तो पाई जा रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक ही वातावरण में, यानी हम सब एक ही वातावरण में, लेकिन मनुष्य का, मनुष्य से किसी मानव से अगर कोई संतान उत्पन्न होगा तो मानव नहीं होगा, कोई दूसरा जीव तो नहीं होगा ना। तो एक ही वातावरण में भिन्न भिन्न जीवों की उत्पत्ति विविधता कहलाती है। जैसे मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधे एक ही वातावरण में है लेकिन अलग अलग स्वरूप में जन्म लेते हैं या वृद्धि करते हैं। अब पेड़ देखो, पेड़ एक जगह जन्म लिया तो वो खड़ा है, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेचारा खड़ा है, आप काटो मारो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरा कुत्ते को मार के दिखाओ, दौड़ा के काटेगा, हाथी को मार के दिखाओ, पैर से दबा देगा, फिर कहानी खत्म। तो ये तमाम तरह की विविधताएं हैं, एक का शरीर कितना भारी है और एक का शरीर कितना छोटा है, इसे ही तो विविधता कहते हैं। समझ गए ना? चलो हाँ, मुझे उम्मीद है कि समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं ये अनुवंशिकी या अनुवंशिक विज्ञान आ गया, ये पता नहीं कहां से ये सारे शब्द आते हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जान पाओगे, ठीक है, जितने भी हो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अनुवंशिकी या अनुवंशिक विज्ञान क्या है, दो शब्द, दोनों एक ही चीज है। अब अनु, अनुवंशिकी यानी किसी वंश के अनुसार वृद्धि करना, किसी वंश के अनुसार वृद्धि करना क्या कहलाएगा, अनुवंशिकी कहलाएगा। और अनुवंशिक विज्ञान क्या है, अब लो थोड़ा सा इसमें भाषा में आपको बताता हूं, आपके शब्दों में बताता हूं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स याद करना, ये ध्यान रखना, इस शब्द याद रखना, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की कोई शाखा है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसमें क्या होता है, वंशागति और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन होता है, वंशागति और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनुवंशिकी या अनुवंशिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब देखो उदाहरण क्या है, जैसे देखो अब अनुवंशिकी में देखो संतति के लक्षण, पहला हो गया लक्षण। अब देखो मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण अलग होते हैं, वो बार बार, अब देखो कोई भी इंसान होगा, अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, आप बताओ अगर कोई मानव का लड़का है लड़की है, संतति है, यहां संतति, मैं समझाने के लिए लड़का शब्द और लड़की इस्तेमाल कर रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो संतति के लक्षण यानी मनुष्य की जो संतति है, मनुष्य की जो संतान है, उसके कुछ लक्षण तो है, और लक्षण क्या है, मनुष्य सोचता है, समझता है और उसके बाद अनुकरण करता है। अब एक दूसरे मनुष्य के ठीक दूसरे विपरीत देखो, क्या कभी मनुष्य का जो संतति है, मानव की जो संतति है, संतान है, क्या हाथी के जैसा व्यवहार कर सकता है? सोचो, क्या मनुष्य की जो संतति है क्या कुत्ते के जैसे व्यवहार कर सकती है? आप तो जरा देखो, अगर कोई मनुष्य की संतति है या हम कह लें किसी का बच्चा हुआ और वो कुत्ते के जैसे भौंकने लगे, आप क्या सोचोगे इसे? तो या तो आप क्या कहोगे, अरे अरे क्या बात, हो सकता है इसे कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो लक्षण नहीं है। जैसे भिन्नता आती है तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि संतति के लक्षण एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, जरा सोचो। हाथी का स्वभाव अलग है, मनुष्य के जो बच्चे हैं उनका स्वभाव अलग है, कुत्ते का स्वभाव अलग है, बिल्ली का स्वभाव अलग है, ठीक है, सबका स्वभाव अलग है, पेड़ पौधों का स्वभाव अलग है। अब इनके बारे में जब इंसान ये समझने की कोशिश करता है, आखिर वजह क्या है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही जैसे दिख रहा है,
कुत्ते का पुत्र कुत्ते जैसा ही दिख रहा है, हाथी का बच्चा हाथी के जैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना? आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो जैसे ही आप इस चीज को समझते हो तो समझ जाते हो कि हाँ कुछ तो अंतर है। अब ये क्यों होता है इसके लिए मैं आगे बताता हूं। और लक्षण और भिन्नता का अध्ययन यानी जब स्टडी करोगे या जानने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, स्टडी होगा। और जब इसकी स्टडी आप करोगे बेटा तो यही आनुवंशिकी कहलाएगा, यही आनुवंशिक विज्ञान कहलाएगा, ठीक है ना? क्या बात है, शाबाश, समझ गए ना? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जीवों में विविधता का कारण क्या है। अरे बाप रे, फंसा दिया फिर से तुमने। हाँ, क्वेश्चन पूछा आपने बेटा कि जीवों में विविधता का कारण क्या है। आपने तो बड़ी अच्छी बात बताया, विविधता होती है, भिन्नता होती है, कुत्ता बिल्ली, समझ गए, सब समझ गए, लेकिन इसमें डिफरेंट का कारण क्या होता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, यानी मेन डिफरेंस इसमें बदलाव क्या है, क्यों विविधता पाई जाती है। मानव के बच्चे से हाथी क्यों नहीं पैदा हो सकता है, माफ करना, मानव से हाथी का बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता है, हाथी से मानव का बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता है। अब ये बात तो आएगी ना, अब अगर कोई ये कहता है तो आप यही कहोगे ना क्या स्टूपिड क्वेश्चन है, बट स्टूपिड्स नहीं है ये, आपकी क्या है, ये आपकी जागरूकता है, जो आप सोचते हो, आपकी क्रिएटिविटी क्या सोच रहे हो, है ना? तो ये जीवों में विविधता का कारण बेड़ी मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा समझो, मैं समझाता हूं विविधता का कारण क्या है। वादा करता हूं कभी नहीं भूलोगे, पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे, ये वादा करता हूं। और सुनो, मानव मानव यानी हम लोग जो है ना, मानव को 8,000 से 10,000 पहले ना ईसा पूर्व इस बात का ज्ञान हो चुका था कि जीवों में विविधता का मुख्य कारण क्या है, और उसने एक शब्द लिखा था, क्या लिखा था, इसके पहले पढ़ चुके हो बहुत हंस रहे थे क्लास में, आप सब लोग, और पढ़ चुके हो, नाम बताओ, फटाफट नाम बताओ, जल्दी बताओ, अगर नाम बताओगे समोसे मिलेंगे, और बहुत जल्दी जिसने भी आंसर दिया उसे तो जलेबी मिलेगा। तो क्या हुआ, आप देखो जीवों में विविधता का कारण क्या है, कोई जवाब नहीं दिया। चलो मैं बताता हूँ, याद करता निकाल करो, समोसे में शायद उलझ गए होंगे, जलेबी में उलझ गए होंगे, कोई बात नहीं, समोसा जलेबी मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट नीट को पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है ये सोच लेना। क्या है, जीवों में विविधता का एक कारण है, एक शब्द याद रखोगे, चलो दो रख लो क्योंकि जलेबी और समोसा दोनों खाना है ना, तो दो शब्द याद रख लो। क्या याद रखना है, पहला शब्द जो होता है लैंगिक, समझ रहे हो ना, लैंगिक इट मींस सेक्सुअल। अब दूसरा क्या होता है, जनन, लैंगिक जनन, यानी इसका आंसर हुआ कि जीवों में विविधता का कारण क्या है बेटा, लैंगिक जनन है। अगर लैंगिक जनन नहीं हुआ तो फिर विविधता का कोई मतलब नहीं। अब जरा सोचो, अब आप समझ गए होंगे सारी कहानी, आपको समझ में आई होगी, मैं समझ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब दूसरी बात देख लेते, अगर जनन न हो तो क्या किसी का वंश आगे चलेगा, अगर जनन न हो तो क्या हाथी का बच्चा हाथी होगा, जनन न हो तो कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, नहीं होगा, मानव की संतति जो है मानव जैसे भी नहीं दिखेगी। तो क्या है, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के बाद भी एक आता है, अब एक क्वेश्चन आप और करोगे कि सर पादपों पर, पादपों में भी तो जनन होता है। हाँ बेटा बिल्कुल होता है, क्या पादप में भी तो लैंगिक जनन होता है। तो जो वृद्धि होती है, जो इनमें डिफरेंट आते हैं, जो भिन्नता आती है, वो लैंगिक जनन की वजह से आती है बेटा, क्लियर हो गया। तो मेंड आप देखो, अब एक चीज है यहां, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, कितनी बातें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, ओके फाइन, चलो अच्छा, मैसेज करते रहो, फटाफट मैसेज करते रहो, आगे चले। अब देखो अगला एक टॉपिक और है जो इस चीज को और क्लियर कर देता है, इस दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, इस दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। देखो एग्जाम में मत लिखना इस बात को, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, याद रखना कि हाँ सर क्यों बोल रहे थे सर, इस दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। हर आदमी सोचता है ये इंसान क्यों हो गया, ये पेड़ क्यों हो गया, ये पौधा क्यों हो गया, ये टमाटर क्यों हो गया, ठीक है, ये पकौड़ी क्यों हो गया, ये तमाम तरह की बातें लोग सोचते हैं और उसे खोजने की कोशिश करते हैं, और जब खोजते हैं तो फिर हमें याद आते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें बड़े प्यार से क्या बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल कह लो या मेंडल कह लो, मेंडल क्या एक वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया, इनकी पागलपन देखो। अब मेंडल ने क्या किया कि वंशागति के नियम को सिद्ध करने की कोशिश किया कि वास्तव में जो कहा गया सही है या नहीं है।
अब कोई भी बात कह दे, अब मान लो कोई बात ये कह दे कि बेटा तुम्हारा कान जो है कौवा लेके चला गया। कौवा समझ ना, वो क्रो 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 जो बोलता है ना, काव 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 काव। अक्सर तुम लोगों में बहुत से लोग काव काव बोलते रहते हो। ये बताओ, किसी ने कहा कि कौवा तुम्हारा काव कान लेके चला गया तो आप ना कान देखोगे या कौवे के पीछे भागोगे? बोलो ऐसे आनो, वो फटाफट बोलो यार। हाँ, आप ना कान देखोगे, फाइन। अब मेंडल की वंशागति के नियम में क्या था कि जब लोगों ने कहा कि नहीं, ये जनन के आधार पे ही विविधता होती है, जनन के आधार पे ही वंशागति होती है, जनन के अनुसार ही जो है ये अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो मेंडल ने कहा कि नहीं, मैं रिसर्च करूंगा। और मेंडल ने रिसर्च शुरू किया। और मेंडल ने क्या किया बेटा, 7 वर्षों तक रिसर्च किया। कितने दिनों तक? 7 वर्षों तक। और उसने क्या किया, संकरण, जिसे क्रॉस कहते हैं ना, संकरण का प्रयोग किया। और उस 7 वर्षों तक उसने किसको लिया? इंसान को नहीं लिया, उसने पौधों को लिया। कौन सा पौधा? बड़ा बड़े चाव से ना आप छोले खाते हो, मटर खाते हो, मटर खाते हो नहीं खाते हो? हाँ, मटर खाते हो, बड़ा मजा आता है ना मटर खाने में। अगर तीखा नहीं हुआ तो फिर मम्मी को गालियां तो पड़ती हैं। अरे बड़े प्यार से जो मैं बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, मटर को लिया, मटर को लिया। और मटर को लेने के बाद 7 वर्षों तक क्या किया, उसी मटर के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, मटर के साथ व्यतीत किया। देखो एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, गालियां पड़ती हैं, क्यों कह रहा हूं, हर बात को समझना, इस चीज को कहीं और मत कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के साथ 7 वर्ष तक बिताया, 7 वर्षों तक। कोई इंसान यार 10 महीने तक किसी के साथ रहता है तो लोग उसे रहने नहीं देते, होता है ना, 2 वर्ष, 7 वर्ष, 1 वर्ष में 1 क्लास निकल जाता है, 7 वर्षों तक, यानी 7 क्लास निकल गई। ग्रेगर मेंडल ने मटर पे 7 वर्षों तक एक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया? संकरण का प्रयोग किया। बस ये शब्द याद रखना, संकरण का प्रयोग किया। और उस आधार पर मेंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विविधता का मुख्य कारण क्या है, बस एक ही शब्द है, जनन। क्या है? एक ही शब्द है, जनन। तो जनन जो है ये विविधता का कारण है, वो लैंगिक जनन हो या अलैंगिक जनन हो, यानी जनन शब्द को किसने बोला था, इसने मेंडल ने इस बात को प्रूफ कर दिया था मटर पे प्रयोग करके। समझ आ रही बात? तो डियर स्टूडेंट, ये सारी बातें आज जो मैंने बात किया, कुछ पॉइंट्स पे बात किया कि वंशागति क्या होता है, समझ के विविधता क्यों होती है, लैंगिक जनन, और इसमें लैंगिक जनन से पहले पढ़ चुके हो ना, सारी बात पढ़ चुके हो, तो अब तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि वंशागति तथा विविधता का जो सिद्धांत है ये हमें विवश करता है सोचने पर। जरा सोचो कि हाथी का बच्चा क्यों हाथी ही होता है, जरा सोचो कुत्ते का बच्चा कुत्ता क्यों होता है, जरा सोचो मानव का बच्चा मनुष्य के जैसा क्यों दिखाई देता है, जरा सोचो बिल्ली का बच्चा बिल्ली क्यों होता है। और पौधे अगर मटर है तो मटर से क्या होगा, मटर का बीज डालोगे तो क्या होगा, आम थोड़े निकलेगा, मटर से क्या निकलेगा, मटर ही निकलेगा। और आम की गुठली जो है उससे आम का बीज डालोगे तो क्या निकलेगा बेटा, बबूल तो नहीं निकलेगा ना, बिरयानी निकलेगा, नहीं निकलेगा, आम से आम का ही पौधा निकलेगा। तो आई होप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे, और मैं जानता हूं कि आप बहुत होशियार हो, और बेटा थोड़ा सा देर हुआ, आप लोग इस बात को समझ सकते हो क्योंकि नीट की तैयारी चल रही है, और आपके जो भाई लोग हैं, बहने हैं, वो नीट एग्जाम में बहुत जल्दी 2 से 3 महीने का टाइम है, और नीट एग्जाम के लिए उनके साथ समय देना पड़ता है, इसलिए आज वीडियो में देने में क्लास देने में थोड़ा देर हुआ, बट कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।